हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको RPF SI के 20 टेस्ट 199 रुपये में मिल जाएंगे, RPF कॉन्स्टेबल के लिए 20 टेस्ट 149 रुपीज़ में, और VDO CBT 2 के लिए भी 149 रुपीज़ में। और यहाँ पे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, Saurabh SPL कोड है यहाँ पे आपका डिस्काउंट का, इसको भरेंगे तो यहाँ पे आपको इस पे 30 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन सभी पे। ठीक है, इस पे भी 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और जिस तरीके का आपका एग्जाम आएगा उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं। और हाँ, परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको अब एक नई चीज़ देखने को मिलेगी टॉपिक स्टडी पे, आपकी चाहे करंट अफेयर की वीडियो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, सभी में आपको डेली एक GK का क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आपको आंसर देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं ऐसा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद लाइक जरूर करेंगे। प्लीज़, आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूं, लगातार वीडियो बनाने का मेरा मतलब मोटिव जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, PQRS चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो एक ऐसी ट्रिक इसकी मैं बताने वाला हूँ आपको, जो एक ही सेकंड में आप इसको कर लेंगे। आपको जब भी ऐसा एक बॉक्स दिखे, चाहे इसमें जितनी भी लाइनें ऐसी खींच रखी हो जैसे इसमें कर रखा है, चाहे इसमें आप थोड़ी और बढ़ा दो, चाहे इतनी और बढ़ा लो, कितनी भी बढ़ा लो, बस आपको इसमें एक ही काम करना है। क्या करना है, ये काउंट कर लीजिए बॉक्सेस है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड हो गया, अगर आप चाहते हैं ना कि इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊं काउंटिंग फिगर की आपकी, ये ठीक है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने आपके ये हैं इस तरीके की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो मैं इसकी जल्द से जल्द आपको बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए कैलेंडर के भी क्वेश्चन देखने वाले आज इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करिए, और यहाँ पे क्या आएगा उसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करिए। देखिए क्या सीरीज चल रही है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 2, 3, 5 और 30 लिखा है, 5, 1 और -1 और यहाँ पे -5 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से चला है, 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 30 लिख दिया, 5 × 5 और 5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 लिख दिया। तो 4 × 3 = 12 और 12 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, -12 आएगा ना, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और देखिए इन सभी क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 10 मार्च 1989 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए 10 मार्च 1989 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। जब भी 2000 से पहले पहले के जो ईयर होते हैं उसमें क्या होता है, और 2000 के बाद वाले ईयर में क्या चेंज है, वो दोनों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डेट, ठीक है, मंथ और ईयर, और जो ये आपका लीप ईयर, इन सभी को प्लस करके 7 से भाग करना है। अब यहाँ पे जो ये आया ना आपका ये डेट, आपको पता चल गई, मंथ के लिए हम कोड यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, ये कोड याद करने पड़ेंगे। तो ये मंथ के कोड हैं आपके, जनवरी के लिए 0 कोड है, फरवरी के लिए 3 है, मार्च के लिए 3 है, अप्रैल के लिए 6 है, मई के लिए आपका 1 है, जून के लिए आपका 4 है, जुलाई के लिए 6 है, अगस्त के लिए आपका 2 है, सितंबर के लिए 5 है, अक्टूबर के लिए 0 है, नवंबर के लिए 3 है और दिसंबर के लिए 5 है। तो इन कोड को फटाफट याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, 2-3 एक मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, बस एक समझिए, एक मोबाइल नंबर याद आपको करना है, और बहुत ही आसान सा है। ठीक है, इस तरीके से आप 3-3 के पेयर, 2-2 के पेयर बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इनको याद कर लीजिए, फिर आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें डेट, मंथ का कोड, जो मंथ के कोड ऊपर मैंने बताया ना, यहाँ पे ये आएगा मंथ का कोड, जो भी डेट होगी, जैसे 10 मार्च बोला है तो 10 मार्च के लिए कितना कोड था, 3,
और यहाँ पे ईयर, देखिए ईयर आपका 65 डेज वाला होता है और लीप ईयर आपका जिसमें 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लीप ईयर निकालना है। ईयर जो भी होगा यहाँ पे ईयर लिख देना है और लीप ईयर जो भी लीप ईयर होगा वो यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इतनी चीज समझ गए ना आप। देखिए यहाँ पे डेट आपका 10 है, मार्च के लिए कोड 3 होता है, 1989 लिखा है तो 89 आप यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि ईयर हमारा 89 है, ठीक है। अब 89 को यहाँ पे कौन सा दिन था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 89 को 4 से डिवाइड करिए तो इसमें पता चल जाएगा कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे हैं, जो आपका ईयर होगा उसे 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आपका आएगा वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि 89 तक आपके 22 लीप ईयर है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 22 रखेंगे, 7 से भाग कर देंगे, सभी को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। 124 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 17। देखिए 17 की मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 119 आया। और 124 का मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, 5 रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर का मतलब है कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 और 5वां आपका फ्राइडे होता है ना, तो फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये समझ गए ना 5 कहाँ से है, 5 आपका रिमाइंडर है। जब आप इस तरीके से भाग करेंगे ना 124 को 7 से, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर आप यहाँ पे निकलेंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका ये 19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिए इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ। जब आप 124 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 5 बच गया, आपने उतारा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 सती 49, यहाँ पे आपका आ गया ये, इसको कितना 7 सती 49, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, 54 में से 49 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो आया है आपका रिमाइंडर, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो आपका 2000 से नीचे वाले ईयर है, ठीक है, 2000 से पहले वाला। अगर 2000 के बाद वाला ईयर होता है तब क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। तो 2016 आ गया ना 2000 के ऊपर वाला ईयर, तो उसमें बस एक छोटा सा चेंज है, बाकी आपको वही डेट लिखनी है, मंथ का कोड लिखना है, ईयर जो आता है उसको देखिए। तो आपको क्या करना है, 2016 में से 1900 को माइनस करना है, जो आपका आएगा जब भी आपका 2000 से ऊपर चला जाता है ना तो उसमें से 1900 माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपको ईयर लिखना है। और इस 116 को 4 से भाग करने के बाद में जो आएगा वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ईयर, और 116 को आप 4 से भाग करेंगे 29 आएगा, ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। इन सभी को प्लस करिए, 7 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 158, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देख लीजिएगा आप 158 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये जाएगा आपका 1 टाइम, ठीक है। और इसी तरीके से आपका 14 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 14 हो जाएगा, 8 बचा 1 और आपने उतार लिया 8, तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, बचा 4, तो 4 रिमाइंडर का मतलब है मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई आप, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस आपको डेट, मंथ का कोड, ईयर और लीप ईयर को प्लस करके 7 से भाग करना है, बस इतनी सी ट्रिक याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इस टाइप के मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और क्लॉक वाला भी मैं जल्दी आपको रिवाइज करा दूंगा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, और 5 का राइट आंसर क्या रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करिएगा ट्राई करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, चलिए फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप वीडियो को रोक करके ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे है आपका +5 +5 +5 और 18 में आप +5 करेंगे क्या हो जाएगा 23, तो इस तरीके से आपका 23 बन गया। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस 9 + 9 + 9, तो +9 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 38, तो 23/38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23/38 आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्लीज़ एक बार इसका भी ट्राई करिए, और राइट आंसर क्या रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 6 में आपका क्या चल रहा है, 6 में आपका बहुत ही सिंपल सी एक सीरीज चल रही है। अगर मैं ऊपर में प्लस करूँ 5, यानी कि 5 का डिफरेंस है +5 = 9, +6 = 15, +7 = 8, +9 कितना हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा आपका 30, और +9 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना,
ये हो जाएगा 39, तो यहाँ पे आपका 39 आ गया। देखिए प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है भाई। अब नीचे इधर से चलेंगे हम, ये कितना इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये आपका अगर देखा जाए तो डिफरेंस इनके बीच में हो जाएगा 20 का। तो मैंने इधर से चलता हूँ प्लस करता हुआ, तो प्लस 20 कर दिया, प्लस 24 कर दिया, ठीक है 60 हो गया। 60 में हमने प्लस 28 कर दिया, तो देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, चार चार बढ़ रहा है, प्लस 20 हुआ, प्लस 24 हुआ, प्लस 28 हुआ। अब की बार कितना होगा, प्लस 32 होगा, तो 32 आपका 120 हो जाएगा। 120 में आपका 32 में प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 120 में 36 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 156 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना आता 39 और यहाँ पे कितना 156, तो देख लीजिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कथन निष्कर्ष है, तो इसमें क्या है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ हैं, कुछ मगरमच्छ सांप हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं कुछ इसी तरीके का। मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ हैं और कुछ मगरमच्छ सांप हैं। यहाँ तक आप हमने पढ़ा और यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, कोई सांप कछुआ नहीं है। तो सांप और कछुए के बीच में कोई रिलेशन शो नहीं किया गया, तो आपने क्या किया, कछुए को अलग बना दिया और सांप तो आपका अलग है, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया कछुए और सांप को। नेक्स्ट बोला जा रहा है, सभी कछुए मेंढक हैं। तो सभी कछुए क्या हैं, आपके मेंढक हैं। तो देखिए आपका ये कछुआ हो गया और सभी के सभी कछुए आपके मेंढक हो गए। देखिए सभी कछुए आपके मेंढक हो गए, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम आपका बन गया है भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या है। कोई सांप मेंढक नहीं है, कोई सांप मेंढक नहीं है। देखिए सांप और मेंढक के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया है, सांप और मेंढक के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया है, तो हम ये कहना गलत होगा यहाँ पे कि कोई सांप मेंढक नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जिसके बीच में कोई भी रिलेशन कथन में नहीं बताया जाता, तो हम उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, कुछ मेंढक कछुए हैं, कुछ मेंढक कछुए हैं। तो मेंढक ये हो गया आपका, और कछुए कहाँ पे हैं, आपके मगरमच्छ, और ये हो गया कछुए, ठीक है। तो ये आपका कुछ कछुए मेंढक हैं, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ कछुए, क्योंकि सारे के सारे कछुए मेंढक हैं, तो कुछ कछुए मेंढक हो सकते हैं, तो सेकंड वाला आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, कुछ मछलियाँ मेंढक हैं, मछलियाँ और मेंढक के बीच में कोई भी रिलेशन बताया नहीं गया है, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन निकालना उचित नहीं होगा, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट रहेगा, दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन गलत रहेंगे, दोनों निष्कर्ष रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और इनसे आपका एक माइंड लेवल भी पता चलता है कि आप कैसा सोचते हैं, ठीक है ना। और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, आरपीएफ का हो चाहे स्टेट पुलिस का, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे की एक मेंटेलिटी जो है वो सोचने की क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी को अपने परम मित्र के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर क्या करना चाहिए। अगर एक पुलिसकर्मी है और उसका मित्र जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो देश के लिए, देश के हित में नहीं है, देश के विरुद्ध है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको। यहाँ पे सबसे पहले समस्या बताकर छोड़ देना चाहिए, ए क्या सही हो सकता है आप बताइएगा। बी आपका सुधरने का मौका देना चाहिए, क्या ये सही होगा। ऑप्शन सी कब्जे में लेकर उचित अधिकारियों को अवगत करा देना चाहिए, क्या ये सही होगा। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्या ये सही होगा। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियों की, तो जो ये चीज़ लिखी गई है ना, देश विरोधी गतिविधियाँ, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई और सी विरोध गतिविधि होती जो किसी और चीज़ के विरुद्ध होती, बहुत सारी चीज़ के विरुद्ध हो सकती है, तो वहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाता, बट देश इज मतलब सुपीरियर होता है, देश से ऊपर हम किसी चीज़ को नहीं मान के चलते। तो यहाँ पे चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई घर का मेंबर हो, उसमें हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो कब्जे में लेकर उचित अधिकारियों को अवगत करा देना
करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ना कि समस्या बताकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बात देश की है, ये ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, सुधरने का मौका भी नहीं दिया जा सकता है, यहाँ कब्जे में लेकर उचित अधिकारियों को अवगत करा देना चाहिए, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। तो कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर सी लगाया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कथन निष्कर्ष से ही, और इसमें बोला जा रहा है देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, अगर कथन की देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देश की निर्धनता का कारण बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। अगर सब बेरोजगार होंगे तो देश में निर्धनता होगी, कोई गरीब होगा नहीं होगा ना, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे कथन में। निष्कर्ष में देखते हैं अब क्या क्या बोला जा रहा है। निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो जो यहाँ पे कथन में आपका बोला जा रहा है उसी चीज़ को यहाँ पे निष्कर्ष में बताया गया है कि निर्धनता को अगर समाप्त करना है तो के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो राइट हो जाएगा। हमें कथन से मतलब होना चाहिए, कथन में बोला क्या गया है। कथन में बोला गया है देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, तो अगर प्रमुख कारण देश की निर्धनता का बेरोजगारी है तो निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो इस पॉइंट पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं या रोजगार हैं, इस चीज़ को कहना यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कथन में क्या बोला जा रहा है और ये सेकेंड ऑप्शन इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाला राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संकेतिक भाषा में इस कोड का अर्थ एट गुड एप्पल है, और इस कोड का अर्थ एप्पल एंड स्वीट्स है, और इस कोड का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स है। तो इस भाषा में एट का शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको करने की, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो कोड होता है और जो उसके बारे में लिखा गया है उनको आमने सामने लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, इतना काम हो गया। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो कोड लिखा है PAT, अब यहाँ पे आप देखिए किस किस लाइन में रिपीट है। तो मैं देखा इसी लाइन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब उसको अभी छोड़ देते हैं। दूसरा है आपका जूम, तो जू जो आपका है, आपका ये पहली लाइन में है और लास्ट वाली लाइन में है, तो दोनों को मैंने गोल कर दिया। अब आपको फाइंड करना है कि इस पहली लाइन में और इस पहली लाइन में क्या चीज़ कॉमन है, जो भी कॉमन होगा उसी के लिए कोड जू का होगा। ठीक है, तो इसमें भी गुड़ है और इसमें भी गुड़ है, कोई दूसरी चीज़ तो दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब जू किसके लिए कोड है, गुड़ के लिए है। चलिए, सिम यहाँ पर लिखा है SIM, तो यहाँ पे सिम इस लाइन में और इस लाइन में है, तो दोनों को हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया और यहाँ पे देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे एप्पल है और इसमें भी एप्पल है, तो इसका मतलब एप्पल के लिए कोड क्या सिम यूज हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना चीज़ समझ में आई होगी। पूछा किसका कोड गया था, एट का, तो यहाँ पे देखिए जो EAT लिखा है और PAT लिखा है, ये दोनों के दोनों, ये इन दोनों का तो हमें पता चल गया, और इन दोनों को छोड़ करके ये बचा है, तो PAT आपका ये वाला कोड हो जाएगा एट के लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा PAT, यानी कि ऑप्शन ए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे। ठीक है, और आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको सर्च करना होगा सौरभ मलिक SAURABHMALIK। अगर आपका कभी भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी परेशानी रहती है, तो आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।